गुड मॉर्निंग बच्चों, सिक्स बी में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। सप्तदशा पाठ, सत्रह पाठ पढ़ेंगे। किम किम पश्यसि, क्या क्या देखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोग किताब की सहायता से पढ़ेंगे। सप्तदशा पाठ, किम किम पश्यसि, क्या क्या देखते हो। यहाँ बच्चों, क्या क्या तुम लोग देख रहे हो। जनक पुत्र तत्र किमस्ति, जनक माने पिता, पुत्र पिता, पुत्र से कहते हैं। तत्र यहाँ, किमस्ति यहाँ, क्या देख रहे हो। जनक पुत्र तत्र किमस्ति, पिता बोलते हैं पुत्र वहाँ क्या देख रहे हो। पुत्र तत्र वृक्ष अस्ति, पुत्र बोलता है यहाँ वृक्ष अस्ति माने है यहाँ वृक्ष है। जनक तत्र त्वं किं पश्यसि, पिता बोलते हैं वहाँ तुम किसको, मतलब किसको देखते हो। पुत्र तत्र अहम वानरान पश्यामि वानरा, पुत्र बोलता है वहाँ पर अहम माने मैं वानरों को, पश्यति माने देखता हूँ। वानरा फलानी खादंती, बंदर फल को खाते हैं। जनक वानरा फलानी केन खादंती, पिता बोलते हैं वानरा मतलब बंदरों फलानी फल को केन कैसे खाते हैं, खदामी माने कैसे खाते हैं। पुत्र पितर महोदय, महोदय वानरा मुखेन दंते दंते च फलानी खादंती, पुत्र बोलते हैं पिता महोदय वानरा मुखेन मुख से दांत से च और मुख से और दांत से फलों को खाते हैं। जनक त्वं केन खादसि, पिता बोलते हैं तुम केन कैसे खादसि माने कैसे खाते हो। पुत्र अहमापि मुखेन दंतेन च खादामि, पुत्र बोलता है अहम मुखेन मतलब हम मुख से दांतों मुख और दांतों से च माने और खादामि माने खाते हैं। जनक त्वं कभ्याम पश्यामि, जनक पिता बोलते हैं तुम किन दोनों से मतलब दांत और मुख और दांत से दोनों से पश्यसि माने देखते हैं। तुम कभ्याम पश्यसि, तुम दोनों मतलब कैसे देखते हो, मतलब तुम दोनों कैसे देखते हो। पुत्र अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, पुत्र बोलता है अहम माने मैं दोनों नेत्रों से मतलब देखते हैं। जनक त्वं अत्र किं किं पश्यामि, पिता बोलते हैं तुम यहाँ क्या क्या देख रहे हो, तुम यहाँ पे क्या क्या देख रहे हो। पुत्र अहम अत्र अश्वम गजम वृषभम च पश्यामि, पुत्र बोलता है अहम माने मैं अत्र माने यहाँ अश्व मतलब घोड़ा गजम गजम हाथी वृषभम बैल घोड़ा हाथी और बैल को देख रहा हूँ, पश्यामि माने देखता हूँ। जनक गज किम किम खादसि, पिता बोलते हैं गज किम किम हाथी क्या क्या खाता है। पुत्र गज तृणानि पत्राणि च खादन्ति, पुत्र बोलता है कि हाथी तिनकों को और पत्तों को खाता है, खाती है या खाता है। जनक अश्व कौ चलति, पिता बोलते हैं अश्व माने घोड़ा कैसे चलता है। पुत्र अश्व पादौ चलति, पुत्र बोलता है घोड़ा पादों माने पैरों से चलता है। नेत्राभ्याम पश्यसि पश्यति मुखेन च खादति, पुत्र बोलता है घोड़ा पैरों से चलता है और नेत्राभ्याम आँखों से देखता है, मुखेन च खादति और मुख से खाता है। जनक शोभनम त्वं दुग्धम
जलम च केन पीबसी। जो पिता बोलते हैं शोभना मतलब अच्छा लगता है, अच्छा, त्वम दुग्धम दूध जल, दूध और पानी को कैसे पीते हो। पुत्र, पुत्र बोलता है अहम मुखेन दुग्धम च दूधे दुग्धम जलम च पीबामी। पुत्र बोलता है अहम मैं मुख से, मुखेन माने मुख से दूध और चमने और दूध और पानी को मुँह से पीता हूँ। मुखेन एवं च वदामी, मुख मुख से खाते और पीते हैं और मतलब मुख से जल को और पानी को पीते हैं और भोजन को, वदामी माने बोलते हैं, मुखेन एवं च वदामी मुख से बोलते हैं, वदामी माने बोलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इस पाठ का हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ वानरान बंदरों को, केन माने किससे, पितृ महोदय पिताजी, मुखेन मुख से, दंते दांतों से, दृश्य पश्य माने देखना, काभ्याम माने किम किन दो से, अश्वम घोड़े को, वद माने बोलना। तो बच्चों पाठ 17 को आप लोग पढ़ेंगे और शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।